हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे, हैप्पी होंगे, टेंशन फ्री होंगे। जैसा कि हर एक नए टॉपिक के साथ आता हूँ, आज एक टॉपिक लेकर आया हूँ। आज हम बात करेंगे एक्सोलॉट के बारे में कि ये एक रेप्टाइल होता है जिसके कहा जाए तो एक फिश टाइप होती है, जिसके पैर होते हैं, हाथ भी होते हैं और वो फिर रीजनरेट होते हैं। अगर उसको कट कर दें तो फिर भी रीजनरेट होते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। ये सैलामेंडर्स के फैमिली से बिलोंग करती है। मैंने पिछली बार एक बार रेड बेली सैलामेंडर्स की वीडियो बनाई थी, उस फैमिली से बिलोंग करती है। ये एक्चुअली मैक्सिकन सिटी से बिलोंग करती है, वहाँ से ये पाई जाती है। एक्सोलॉट्स भी कहते हैं इसको। और ये पूरी अपनी ज़िंदगी जो है पानी में रहती है, ऊपर के हिस्से में नहीं आती। बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ये भी रेप्टाइल की तरह ऊपर भी आती है, नीचे भी रहती है, इसलिए इसके पैर होते हैं। ऐसा नहीं, हालांकि पूरी ज़िंदगी ये अपनी फ्रेश वाटर के अंदर ही जीती है। और ये बहुत ईजी टू केयर है, बहुत ईजी टू कैप्टिव है, क्योंकि ये बहुत इतना रिक्वायरमेंट नहीं होता इसका। लेकिन अगर टेम्परेचर आप उसका प्रॉपर मेंटेन करेंगे और सही पानी का मेंटेन करेंगे तो ये लॉन्ग लाइफ तक भी जी सकती है। कंपेयर टू फिशेस जो है बहुत यूनिक होती है, बहुत अलग टाइप की होती है। अगर आप इनको एक्वेरियम में रखते हैं तो लोगों को अट्रैक्ट करेगी, क्योंकि अजीब होता है इस तरह की एक जानदार दिखना और लोगों को बहुत अलग सा लगता है, जिससे इससे क्या होता है बहुत यूनिक लगेगा एक्वेरियम। एक्सलेट जो है बहुत रेयरली अवेलेबल है इंडिया के अंदर और बहुत जगह बहुत रेयरली अवेलेबल है। और ये 10 इंच तक भी बड़ी हो जाती है और यहाँ तक वाइल्ड के अंदर नेचर में देखा जाए तो ये 12 इंच तक बड़ी हो जाती है, लेकिन एक्वेरियम के अंदर देखा गया है कि 8 से 10 इंच तक से ज़्यादा ये बड़ी नहीं होती। और ये 1 साल की एज में अडल्ट हो जाती है और इसकी लाइफ स्पैन है 20 साल तक। अगर इसको प्रॉपर केयर करें तो 20 साल से ज़्यादा ये जी सकती है, लेकिन एक्वेरियम में 10 साल से ऊपर ये जीती नहीं है। एक्वेरियम में 10 साल तक इसको रख सकते हैं। इसके लिए एटलीस्ट 20 गैलन टैंक होना ज़रूरी है। अगर छोटा एक्सोलॉट है तो एक्सोलॉट जिसे कहते हैं उसे 20 गैलन होना ज़रूरी है, अडल्ट के लिए उससे भी बड़ा होना ज़रूरी है। और ये जैसा कि गोल्ड फिश ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस करती है, उसी तरह ये भी ये खाना खा के फूड खाकर वेस्ट जो है बहुत ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस करती है, इसलिए ज़रूरी है कि आप बड़ी टैंक रखें। छोटी टैंक रखेंगे तो पानी अमोनिक हो जाएगा और एसिडिक हो जाएगा, जिसकी वजह से इसको प्रॉब्लम हो सकती है, इसकी हेल्थ भी प्रॉब्लम हो सकती है। और जैसा मैंने कहा कि ये सिर्फ पानी के अंदर ही रहती है, इसके लिए बास्किंग एरिया अलग रखना ज़रूरी नहीं है। बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं इसके लिए बास्किंग एरिया रखना है या नहीं, क्योंकि ये भी रेप्टाइल फैमिली से बिलोंग करती है, लेकिन ऐसा रेप्टाइल है जो सिर्फ पानी के अंदर ही रहता है। और इसको डेप्थ टैंक होना बहुत ज़रूरी है, गहराई जो है टैंक की ज़्यादा होना ज़रूरी है, क्योंकि छोटा होता है उसको स्विमिंग करने में प्रॉब्लम होती है, ये स्ट्रेस फील करती है। अगर आप इसको रखना चाहते हैं तो डेप्थ टैंक रखना पड़ेगा। और ये बहुत इजी टू जंपर है, अगर आप इसको रख रहे हैं तो ज़रूरी है कि आप अपने एक्वेरियम का टैंक जो है हमेशा इसको बंद रखें, क्योंकि ये आसानी से बाहर जंप कर सकती है। और इंटरनल फिल्टर का इस्तेमाल मत करें, क्योंकि इंटरनल फिल्टर से जो इसको बॉडी को नुकसान हो सकता है, और एक्सटर्नल फिल्टर इस्तेमाल करें तो बेहतर रहेगा। और एक चीज़ का आप ध्यान रखें कि वाटर फ्लो होना दें, क्योंकि वाटर फ्लो को ये बर्दाश्त नहीं करते। अगर वाटर फ्लो ज़्यादा होता है तो ये स्ट्रेस हो जाएगी और बीमार हो जाएगी, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे वाटर फ्लो ना हो। वाटर मूवमेंट बहुत स्टॉप कर दें तो बेहतर है, वाटर मूवमेंट बहुत कम ही होना चाहिए। वाटर मूवमेंट जितना ज़्यादा होगा उतना ये स्ट्रेस हो जाती है और बीमार हो जाती है, तो ये स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है और अपने आप को सिक कर लेती है। और वाटर फ्लो भी इस तरह होना चाहिए कि सिर्फ ऊपर का हिस्सा जो है वाटर फ्लो होना है, नीचे का पानी विदाउट फ्लो होना, तो इस तरह की सेटअप करना ज़रूरी है। अगर नीचे भी पानी फ्लो होता रहेगा तो इसको डिस्टर्ब होगा और डिस्टर्ब होने से भी ये स्ट्रेस हो सकती है। और एक्सोलॉट के लिए लाइटिंग की कोई यूवी लाइट की इस तरह की स्पेशल लाइटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप कोई भी लाइटिंग के अंदर नॉर्मल जो लाइटिंग होती है एक्वेरियम के लिए वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ख़ास तौर पर एक चीज़ का ध्यान रखें, अगर इसको रखना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हाइडिंग प्लेस रखना ज़रूरी है, जैसा कि केव्स होते हैं गुफा की तरह, जिसमें जाकर ये अंधेरे में छुप सके, इस तरह की हाइडिंग प्लेस बनाना बहुत ज़रूरी है। इससे ये सेफ फील करती है और आसानी से हैप्पी भी रह सकती है। अगर विदाउट हाइडिंग प्लेस रखेंगे तो ये धीरे धीरे स्ट्रेस फील करना शुरू करेगी और अपने आप में डिसीज़ पैदा हो जाएगा। और इसके लिए टेम्परेचर जो है 22 से 26 तक है, यानी 70 to 74 फ़ारेनहाइट तक आप इसको रख सकते हैं। और ग्रेवल में आप पेबल्स भी यूज़ कर सकते हैं या विदाउट ग्रेवल भी आप इसको रख सकते हैं, लेकिन शार्पी जैसा कि चिप्स, इस तरह के शार्पी ग्रेवल इस्तेमाल मत करें इसके लिए। आप फूड में इसको रेप्टाइल फूड जो है टर्टल फूड भी आप इसको दे सकते हैं, रेप्टाइल फूड होता है उसको भी आप इसको फीड कर सकते हैं, जैसे कि बड़े वाम्स, बड़े अर्थ वाम्स हैं या फ्रोजन ब्लड वाम्स है
इस तरह के आप फूड इसको फीड कर सकते हैं, जैसा कि पके हुए श्रिम्स भी, कुक श्रिम्स भी आप इसको दे सकते हैं, या पका हुआ बीफ या चिकन हार्ट भी आप इसको, चिकन मीट या बीफ मीट भी आप इसको दे सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, एक्सलॉट्स को फीडर फिश का फीडिंग मत करें, क्योंकि फीडर फिश जो है ऑलरेडी स्ट्रेस होकर रहती है, पैरासाइट जो है डिसीज़ की कैरी करके रहती है, अगर इसको फीड करेंगे तो वो भी इसको प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आप फीडर फिशेस इसको फीड मत करें। और फिशेस के बारे में बात करेंगे, कौन सी फिशेस के साथ रख सकते हैं, तो बेहतर है कि आप इसको अकेले रखिए, क्योंकि ये फिन निबलिंग होती है। अगर आप बड़े फिन या छोटे फिशेस जो फिनस होते हैं उसके साथ रखेंगे तो बहुत जल्दी उसके परों को ये खा लेती है, यहाँ तक कि उसको काट लेती है, इसलिए बेहतर है कि आप इसको अकेले ही रखिए। अगर एक्सलॉट रखना चाहते हैं तो बेहतर है आप इसके लिए अलग टैंक सेटअप रखें और उसको अकेला ही रहने दें, इससे ये हैप्पी रहेगी और लॉन्ग लाइफ जिएगी और बेहतर भी इसकी ग्रोथ होगी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होगा, अगर हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल, गुड बाय।